मैं आयुष किशोर, जी हाँ शांत सतपुत्र, जिसको मीडिया ने मुजरिम बना रखा है। अरे यार, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई इस तरह का आरोप नहीं है, बस उन्होंने जो मुझे बदनाम किया है, जैसे मेरे बारे में गलत बातें बोली है जो कि सत्य बिल्कुल भी किसी प्रकार से नहीं। जैसे मेरी शादी हो गई जिससे मेरी बदनामी हुई है, मेरे घर वालों की बदनामी हुई है। राजधानी लखनऊ का हाई प्रोफाइल मामला, एक सांसद का बेटा तो दूसरी सांसद की बहू, लेकिन आज दोनों ही आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने तो यहां तक कह डाला कि उसकी जान को खतरा है। इस कहानी की शुरुआत 2 मार्च से होती है। 2 मार्च की रात राजधानी में गोली चलती है। गोली मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर चलाई गई थी। गोली चलने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आयुष को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कुछ ही घंटों में आयुष के साले आदर्श को गिरफ्तार कर लिया। तब यह बात सामने आई कि आयुष ने अपने साले आदर्श से जानबूझकर खुद पर गोली चलवाई थी। आयुष के साले आदर्श ने पुलिस के सामने कबूल करते हुए बताया कि इस घटना के पीछे चंदन गुप्ता, मनी जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह को फंसाने की साजिश रची गई थी। वहीं सांसद कौशल किशोर ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया। इसको फंसाने के मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनी जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह। आयुष से सबने पूछा, उसने कहा मैंने देखा ही नहीं, कुछ नहीं मुझे मजा आ रहा। मैंने अलग से भी पूछा तो कहा पापा मैंने देखा ही नहीं मुझे किसने गोली मार दी। अब उसका साला कहता है, बहकी बहकी बातें कर रहा था। साला को जब पुलिस ले गई तो उसने बताया कि मैंने गोली मारी आयुष के कहने से लोगों को फंसाने के लिए। अगर आयुष किसी को फंसाना चाहता था तो जो पुलिस चौकी पे गया था, थाने पे गया था, पुलिस पूछ रही थी मेडिकल कॉलेज में, हमने पूछा था तो किसी का नाम बताता कि नहीं बताता। इसके बाद इस मामले में नया मोड़ तब आया जब अस्पताल में भर्ती आयुष को उसके घर वाले लामा यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज कराकर घर ले गए। इसके बाद से आयुष का पता पुलिस फिलहाल नहीं लगा पाई है। अब इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। फरार चल रहे आयुष ने अपना वीडियो जारी कर अपनी पत्नी अंकिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं अपने उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई, क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी कुत्तों वाली हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शांत से जीता था। आयुष का कहना है कि जिस दिन उसके ऊपर गोली चली थी उस दिन उसकी पिटाई भी की गई थी। जब वह ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था उस दिन उसकी पत्नी अंकिता ने उसे धमकाया भी था। आयुष के मुताबिक अंकिता ने कहा था कि वह उसके पिता के विरोधियों से मिलकर उसे बर्बाद कर देगी। आयुष ने यह भी आरोप लगाया कि अंकिता की 2-3 शादियां हो चुकी है और वह भी उसके प्रेम जाल में फंस गया था। आयुष के लगाए आरोपों पर उसकी पत्नी अंकिता ने पलटवार करते हुए कहा कि उसकी जान को खतरा है। मंगलवार को वह इसकी शिकायत करने मडियाओं थाने भी पहुंची। पूरी तरीके से प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है, पुलिस प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। क्या लगता है अभी किस पे एफआईआर लिखाने आई थी? जी आयुष ने और आयुष के घर वालों ने आयुष के ऊपर प्रेशर डाला और आयुष ने मुझे प्रेशर किया कि मैं बयान बदलूं, नहीं तो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, मैं फंसा दी जाऊंगी, जो कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई मेरी। मामला हाई प्रोफाइल का होने की वजह से पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। अब देखना है कि बार बार नए मोड़ से गुजर रहे इस मामले की परतें पुलिस कब तक खोल पाती है। सांसद पुत्र का लव वाला गोलीकांड हर किसी की जुबां पर है। मामला दिल से शुरू होकर गोलीकांड की दहलीज तक पहुंच गया। 2 मार्च के गोलीकांड ने इश्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।